से पहले ही पंजाब पुलिस ने लश्करे तैयबिया के दो आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। वो देश को दहलाने की साजिश रच रहे थे। आतंकियों को अमृतसर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने केंद्रीय एजेंसी के साथ मिलकर एक ऑपरेशन में ये कामयाबी हासिल की है। इनसे भारी संख्या में इनके पास से हथियार बरामद किए गए हैं। वहीं पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने ट्वीट कर ये पूरी जानकारी दी। आतंकियों के पास से दो आईडी कार्ड, दो हैंड ग्रेनेड, दो मैगजीन के साथ एक पिस्तौल, 24 कारतूस, एक टाइमर स्विच और 8 डेटोनेटर और 4 बैटरी बरामद की गई है। डीजीपी ने कहा है कि अमृतसर ने केंद्रीय एजेंसी के साथ एक खुफिया ऑपरेशन में एक लश्कर मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया और दो लोगों को गिरफ्तार किया जो जम्मू कश्मीर के निवासी हैं। आतंकी मॉड्यूल को लश्करे तैयबिया का सक्रिय सदस्य फिरदौस अहमद भट्ट संभालता है। जहां पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि ऑपरेशन पंजाब पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन सेल अमृतसर पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ मिलकर चलाया। पंजाब पुलिस प्रमुख ने एक्स पर बताया कि एक बड़ी सफलता में राज्य स्पेशल ऑपरेशन सेल अमृतसर ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में एक लश्कर मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। दो लोगों को गिरफ्तार किया गया जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। डीजीपी ने कहा कि आतंकी मॉड्यूल को लश्करे तैयबिया का सक्रिय सदस्य फिरदौस अहमद भट्ट संभाल रहा था और उन्होंने गिरफ्तारियों को पंजाब में शांति भंग करने की कोशिश कर रहे आतंकी मॉड्यूल के लिए एक बड़ा झटका बताया है। इससे पहले पंजाब के मोगा में कांग्रेस नेता और सरपंच की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने बुधवार को कनाडा स्थित खालिस्तानी आतंकी अर्श दल्ला के दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया। अर्श दल्ला ने हत्या की जिम्मेदारी ली थी जिसके बाद जांच हुई और बाद में दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के बाद से दोनों पकड़े जाने से बच रहे थे। बाद में पंजाब पुलिस ने एक मुठभेड़ में उसे गिरफ्तार कर लिया। ये ऑपरेशन क्षेत्र में संगठित अपराध और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक बड़ी पहल का हिस्सा माना जा रहा है।